तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो। मेरा नाम अजमल, आज मेरे पास हैं भैया जो है, भाई साहब पहले आपका नाम बता दीजिए। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो प्रवीण भाई से मैं जो है ये STX वेरिएंट इन्होंने लिया था, अभी हाल फिलहाल लिया इन्होंने, तो इनसे एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यू मैं जानना चाह रहा था कि भाई जिससे आप लोगों को आसानी हो गाड़ी परचेज करने में, ये माइलेज क्या देती है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा और गाड़ी कितनी की पड़ी फाइनल, ये चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। तो भैया से मैं पूछता हूँ, तो भैया जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाई है गाड़ी के लिए। तो भैया ये बताइए कि ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी थी? 1280 ऑन रोड, 1,80,000 की। तो जो है इसमें आपको अभी तक आपने कितना चला दिया इस गाड़ी को? ये गाड़ी चल गई है 8,000। 8,000 आपने चलाया, तो इसमें आपको माइलेज वगैरह क्या मिल रहा है अभी इसमें? माइलेज इसका है इस समय 21 point something है टोटल माइलेज। चलने में कैसी है गाड़ी? चलने में बहुत, आपको फील भी नहीं आएगा कि आप डीजल गाड़ी चला रहे हो या पेट्रोल। अच्छा, ये है डीजल गाड़ी। डीजल गाड़ी है, लेकिन आप इन अंदर बैठ के चलाओगे जी तो केबिन में बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं है, साइलेंट केबिन। अच्छा, इसमें म्यूजिक जो म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है इसमें क्या मतलब आपको बाहर से लगवाने की जरूरत पड़ेगी? बॉस का है इसमें। अच्छा, बॉस का मिलता है तो बॉस में तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। कहना ही नहीं है। और कुछ इस गाड़ी में कुछ आपको जो ज्यादा अच्छा लगा हो और गाड़ियों से बेहतर लगा हो जो? मुझे इसके इसके सबसे अच्छी चीज़ इसकी पिकअप। अच्छा, इसका पिकअप आपको सबसे अच्छा लगा? बेहतरीन पिकअप है और केबिन इसका जो एकदम साइलेंट केबिन है। अच्छा, हाँ, फीलिंग बिल्कुल भी आपको ये नहीं देगा कि आप इसको एक डीजल गाड़ी चला रहे हो। इससे पहले मैं पोलो चलाता था जी, मुझे जी। तब भी उसमें फीलिंग पोलो में भी काफी जान है। हालांकि बहुत है। हाँ, सही बात है, उसमें बहुत जान है। तो लेकिन उसमें, उसमें पोलो में और इसमें कुछ डिफरेंस कितना लगा आपको? बहुत एक डिफरेंस, बस एक ही चीज का डिफरेंस है, बस केबिन का। केबिन का चलने में वो भी गाड़ी सही है? चलने में तो बहुत दमदार गाड़ी है, वो भी पोलो भी बहुत दमदार गाड़ी है, वो तो रोड पकड़ के चलती है। और इसमें बस एक चीज़ ये है कि आपका पिकअप इसका बहुत अच्छा है उसके कंपैरिजन में इसका। अच्छा, इस गाड़ी से आप सबसे लंबी जर्नी कितना किया आपने? लंबी जर्नी मैं यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब आराम से चले गए एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब लॉन्ग लॉन्ग टूर के लिए तो सबसे बेस्ट है ये। डीजल है ना ये? हाँ, डीजल। तो भैया माइलेज इसमें क्या मिलता है आपको? माइलेज वही 21.5 का। माइलेज तो बहुत अच्छा है भाई। माइलेज बहुत बहुत बढ़िया, इसी वजह से तो डीजल लिया गया है। पेट्रोल में माइलेज की वजह से पेट्रोल मैं लेना नहीं चाह रहा था और डीजल इसलिए लिया क्योंकि मुझे माइलेज ही चाहिए। सनरूफ इसमें दिया हुआ, सनरूफ का कितना यूज होता है भाई? सनरूफ का बच्चों के लिए यूज होता है अपना तो भी यूज नहीं है। अगर सनरूफ नहीं होता तो क्या आप इस गाड़ी को ले लेते? नहीं, मुझे लेना ही था यही। अच्छा, सनरूफ के साथ ही इसमें, जो सनरूफ के साथ फिर इसमें अलॉय व्हील वगैरह भी दे रखा है। हाँ, इसी मॉडल में था जी, टॉप मॉडल इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें वेंटिलेटेड सीट्स और एयर प्यूरीफायर वगैरह सब है, उसकी उन सब चीज़ों की जरूरत नहीं। आम आदमी ऐसे जब बाहर ही रहना है पूरे टाइम गाड़ी में तो आप रहने। ये तो बात सही है। तो इस ये टॉप ये मॉडल सबसे बेस्ट है अगर आपको लेना है। अच्छा अच्छा, मतलब ये इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाएगा, बॉस के स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। हाँ, हाँ। और इसमें कोई नेगेटिव कुछ ऐसा लगा आपको? कुछ भी कुछ, मुझे अभी तक तो कोई नेगेटिव नहीं लगा। कुछ नहीं, वैल्यू फॉर मनी लगी क्या आपको? वैल्यू फॉर मनी ऐसा तो नहीं लगता। इस रेंज में बेस्ट गाड़ी है। 12-13 लाख रुपए जा रहा है तो क्या ऐसा तो नहीं कि मतलब कुछ भी नहीं आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि आप ठगे गए हो? अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया। तो भाई का ये STX वेरिएंट है और इसमें आपको सनरूफ वगैरह भी मिल जाते हैं। 1,81,000 भाई को पड़ी थी ये जो है ऑन रोड प्राइस। और इनका कहना है कि, भाई का कहना है कि इस गाड़ी को लेने के बाद आपको मेरे ख्याल से ठगा महसूस नहीं होगा, काफ़ी प्रीमियम लग्जरी। मैंने भी इसकी केबिन को, इसको इवन चला के भी देखा, इस गाड़ी को मैंने, काफ़ी अच्छी चलती है। मैंने इस गाड़ी को नहीं चलाया लेकिन मैंने STX या किया की STK प्लस वगैरह मैंने चलाई है, तो इंजन सेम है इसमें भी और उसमें भी, तो ओवरऑल गाड़ी चलने में काफ़ी अच्छी है। मैंने भी इसको चला के देखा है, लेकिन माइलेज और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने इतना गाड़ी को नहीं चलाया कि मैं एक्सपीरियंस कर सकूँ कि गाड़ी में क्या डिमेरिट्स हैं और क्या पॉजिटिव हैं। तो भाई का कहना है कि इसमें मुझे सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव लगी, कोई ऐसी चीज़ मुझे निगेटिव नहीं लगी। मैंने इवन रेट का भी पूछा तो रेट का भी उन्होंने यही बोला कि भाई रेट भी आपको जायज़ मिलता है, ऐसा नहीं लगेगा कि आप ठगाए हुए हो। और आल गाड़ी से भाई आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो भाई का कहना है कि भाई आप STX वेरिएंट की तरफ आप जा सकते हैं, इसमें बॉस का स्पीकर वगैरह मिल जाता है। ओवरऑल गाड़ी इनको पसंद आई, समझ में आई। अगर जो बंदा इस गाड़ी के लिए जाना चाहता है तो जा सकता है? एकदम जाना ही चाहिए अगर आप इस रेंज में जा रहे हो, इस रेंज में अगर गाड़ी लेने की सोच रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल से अगर बेस वेरिएंट किया सेल्टॉस चाहेगा तो उसको इसी मॉडल इसी प्राइस में आपको बेस वेरिएंट में आपको फिर बाद में अलग से सारी चीज़ें अलग से लगवानी है, इसमें आपको लाना है और चलाने लगना है। हाँ, ये है कि इसमें आपको सारे फीचर्स ऑलरेडी कंपनी लगा के देती है। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है, चलने भी काफ़ी अच्छी है। किया सेल्टॉस में जो इंजन लग के आता है सेम टू सेम इंजन इसमें लग के आता है। इसका कर्व वेट थोड़ा सा अच्छा है इसलिए किया सेल्टॉस से चलने में ज़्यादा अच्छी महसूस होती है जब आप इसको चलाते हैं। ओवरऑल यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज, थैंक यू भैया, थैंक यू।